आप देख रहे हैं एनएमएच न्यूज में आपके साथ बबलू किलोरिया। इस वक्त हम मौजूद है जीरन के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर सुबह एक जो जीरन कुछरोद मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर जो लापरवाही सामने आई थी उसको लेकर जीरन के बस स्टैंड पर यहाँ पर रहवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, और उसके पश्चात यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जीरन थाना क्षेत्र सहित अड़क्याकाल चौकी प्रभारी और जो CSP फूल सिंह परस्ते हैं वह भी मौके पर पहुंचे, और यहाँ पर जो तहसीलदार हैं नवीन जी गर्ग वह भी मौके पर पहुंचे थे, और BMO सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे, और जो यहाँ के रहवासी हैं उन्हें काफी समझाइश के बाद यहाँ चक्का जाम यहाँ पर जो इनके द्वारा किया गया था खोला गया है। उसके बाद यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो यहाँ व्यवस्थाएं फैली हुई थी उन्हें सुधारने के लिए जो मांग प्रशासन से रहवासियों ने की थी, इसके बाद यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें तहसीलदार द्वारा इनको लिखित में आश्वासन दिया गया, जिसके बाद यह पूरा मामला है जो शांत हुआ है और यह चक्का जाम खोला गया है। जिले से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनएमएच न्यूज़। प्रकार का विरोध प्रदर्शन था और क्या आश्वासन दिया गया? आज सुबह कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसके संबंध में ग्रामवासियों को प्रॉपर जो इनको सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई और डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं हो पाए, तो डॉक्टर्स तो यहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल हैं यहाँ पर, और कहीं कुछ अनुशासन की कमी लगी है, तो BMO साहब ने आश्वासन दिया है कि अनुशासन जो है वो आज से ही हम प्रॉपर करेंगे हॉस्पिटल में। दूसरा कुछ शिकायतें हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को लेके या एम्बुलेंस के ड्राइवर को लेके हुई थी, तो एम्बुलेंस का ड्राइवर जो है उसकी व्यवस्था 2 दिन में कर ली जाएगी, और आज भी अगर किसी को कोई इमरजेंसी की ज़रूरत लगती है तो ग्रामवासियों में से कोई भी व्यक्ति जो है वो एम्बुलेंस को हम किसी भी तरह भिजवा देंगे, मतलब अर्जेंट व्यवस्था रहेगी हमारे पास और उपलब्ध रहेगी। सर अभी जो सुबह एक्सीडेंट हुआ था उसमें क्या लापरवाही पाई गई है, किसके उसके लिए अभी जो ड्यूटी डॉक्टर थे उनको SCN जारी करा गया है, उसमें जांच के बाद ही मालूम पड़वाया कि लापरवाही किसकी थी और क्या क्या लापरवाही पाई गई है। जी बताएं, जो यहाँ जीरन में बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया गया था क्या मामला था और क्या आश्वासन मिला? जी अभी क्या आज सुबह एक एक्सीडेंट हो गया था और जीरन हॉस्पिटल की काफ़ी लापरवाही और काफ़ी अव्यवस्थाएं थी, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी समय से आक्रोश था, और यह आज आक्रोश आज ग्रामीणों का फूट पड़ा, नगरवासियों को फूट पड़ा, और हमने चक्का जाम किया, और जिसके बाद तहसीलदार साहब और BMO साहब आए, उन्होंने जो भी हमारी समस्याएं थी, यहाँ पर डॉक्टर प्रॉपर रूप से हर समय उपलब्ध नहीं रहते हैं, एम्बुलेंस पर ड्राइवर नहीं है, गाड़ी में डीजल नहीं रहता है, जो भी यहाँ पर लापरवाहियाँ हैं, स्टाफ जो है विदाउट यूनिफॉर्म में रहता है, तो इस तरह की जो समस्याएं थी वो सारी समस्याएं बताई, और सारी समस्याओं पर तहसीलदार साहब ने खुद संज्ञान लिया है, और जो सुबह जो लापरवाही उसको लेकर भी उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया है, और अब तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन दिया है, लिखित में आश्वासन दिया है कि अगले 1 महीने में हम यहाँ पर सारी व्यवस्था सुधार कर देंगे। तत्काल आज यहाँ पर 2 दिन के अंदर अंदर ड्राइवर की नियुक्ति करने के बात कह दी गई है, और इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर अब 24 घंटे इमरजेंसी उपलब्ध रहेंगे।